हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आईपीएल लेने के बाद पेन होता है या फिर पेन ये कितने दिन तक आपका बने रहेगा। तो काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकता है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, बिल्कुल आईपीएल लेने के बाद, आईपीएल ले रहे हैं या फिर आप अनवांटेड 72 ले रहे हैं, बिल्कुल आपको पेन हो सकता है। कुछ महिलाओं को, ऐसा नहीं है कि सभी को होगा, कुछ महिलाओं को होता है, कुछ को नहीं होता है। आप बात कर लेते हैं पेन कितने दिन तक आपको रहेगा। तो जैसे कि इसके साइड इफेक्ट जो है मैक्सिमम 7 दिन तक रहते हैं, जैसे कि मैं और भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। साइड इफेक्ट क्या, जैसे हेडेक होना, आपके टमी एरिया में पेन होना और थकान लगना, चक्कर आना, उल्टी होना, कुछ महिलाओं को इस तरह के साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं। बिल्कुल कॉमन है, 7 दिन तक रह सकते हैं कुछ महिलाओं में, ऐसा नहीं है कि जरूरी सबको हो। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार जब भी आप आईपीएल ले रहे हैं तब आपको ये साइड इफेक्ट दिखे। कुछ महिलाएं ये भी सवाल करती है कि हमने पिछले बार आईपीएल लिया तो हमको तब हमको ये जो साइड इफेक्ट थे वो नहीं दिखे, इस बार दिख रहे हैं, क्या ये पिल काम कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस कारण भी टेंशन में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, बिल्कुल कॉमन है। और ज़्यादातर फीमेल शिकायत करती है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द उन्हें 3 से 4 दिन तक हो सकता है। आपको माइल्ड पेन होगा, ऐसा नहीं है कि आपको सीवियर पेन होगा, जैसे आपको पीरियड के टाइम पे ज़्यादा मरोड़ होते थे, क्रैम्पिंग होती थी, उस तरीके से पेन नहीं होगा आपको, उससे कम होगा। पर कुछ महिलाओं को पेन हो सकता है और 3-4 दिन तक ये बना रह सकता है, और इसके साइड इफेक्ट मैक्सिमम 7 दिन तक, उसको 3 दिन, कुछ को 4 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।